लोकसभा विच बठिंडा एयरपोर्ट का मामला गूंजिया। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फ्लाइट बंद होने का मुद्दा चुकया। उन्होंने कहा फ्लाइट बंद होने नाल लोग परेशान हो रहे हैं, आर्थिक पक्षों भी लोगों नूं नुकसान झलना पै रहा है। उन्होंने पूछा कदों तक बठिंडा तो उड़ाना शुरू होणगियां। केंद्रीय हवाबाजी राजमंत्री ने सवाल का जवाब दिता। उन्होंने कहा घट यात्रियों कारण फ्लाइट बंद करनी पई सी। लोकसभा में बठिंडा एयरपोर्ट का मामला गूंजिया है। श्रोमणी अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फ्लाइट बंद होने का यह मुद्दा चुकया है। उन्होंने कहा फ्लाइट बंद होने नाल लोग परेशान हो रहे हैं, खजल खुआर हो रहे हैं, आर्थिक पक्षों भी लोगों को नुकसान झलना पै रहा है। उन्हें यह भी पूछा कदों तक बठिंडा तो मुड़ तो फ्लाइट शुरू होणगियां। इसका जवाब भी दिता गया केंद्रीय हवाबाजी राजमंत्री वालों। उन्होंने कहा घट यात्रियों कारण फ्लाइट बंद करनी पई सी। लोकसभा में बठिंडा एयरपोर्ट का मामला गूंजिया। श्रोमणी अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फ्लाइट बंद होने का मुद्दा चुकया। क्या उन्होंने तुम भी सुनो। इस ते जवाब भी दिता गया कि घट यात्रियों कारण फ्लाइट्स बंद करनी पई सी। लोकसभा में बठिंडा एयरपोर्ट का मामला गूंजिया। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फ्लाइट बंद होने का मुद्दा चुकया। उन्होंने कहा फ्लाइट्स बंद होने नाल लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आर्थिक पक्षों भी लोगों नूं नुकसान झलना पै रहा है। उन्होंने पूछा कदों तक बठिंडा तो ये फ्लाइट्स शुरू होणगियां। केंद्रीय हवाबाजी राजमंत्री ने इस सवाल का जवाब दिता है। उन्होंने कहा घट यात्रियों कारण फ्लाइट बंद करनी पई सी। लोकसभा में बठिंडा एयरपोर्ट का मामला गूंजिया है। श्रोमणी अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फ्लाइट बंद होने का मुद्दा चुकया। 2012-13 में बहुत मुश्किल से हमने बठिंडा में एक एयरपोर्ट खोला था। तकरीबन 200 किलोमीटर के रेडियस से आधा हरियाणा जयपुर से लेके इधर तक पूरा फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, ये सारे एरिया 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए इकलौता ये बठिंडा एयरपोर्ट था। बठिंडा में सर हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट आर्मी कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन है, एम्स का अस्पताल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑयल रिफाइनरी है, तीन तीन थर्मल प्लांट्स है सर। सर ये 2013 से एयरपोर्ट बन गया और 2016 में जाके वहाँ पे फ्लाइटें शुरू हुई दिल्ली से बठिंडा और दिल्ली से जम्मू तक। सर ये तीन बारी हफ्ते में शुरू हुई और पांच बारी तक चली गई क्योंकि इसका पैसेंजर फुटफॉल इतना ज्यादा था कि 80% फ्लाइट पुर जाती थी। लेकिन एकदम से नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है और जो बेचारा वहाँ मुलाजिम चार दिन की छुट्टी जाता है, एक दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ क्या पिछली सरकार जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे? एयरलाइन सेक्टर डीरेगुलेटेड सेक्टर बन गया है काफी सालों से और हर एयरलाइन उस सेक्टर के अंदर उन जगहों को चुनाव करती है जहां पर वो पैसा बना सके या अपना सही फ्लाइट के अंदर उनका दाम निकल सके। बठिंडा के अंदर तकरीबन एक साल तक फ्लाइटें चली लेकिन एयरलाइंस ने उसके बाद उसको आगे चलाना उचित नहीं समझा क्योंकि उतनी जितनी डिमांड थी उनकी उसके हिसाब से यात्रीगण उस पर नहीं जा रहे थे और इसलिए एयरलाइन वहां पे जाने को तैयार नहीं थी। ये एयरलाइन से जब पता किया गया तो उन्होंने यही चीज़ आपको बताई और
डिमांड अगर ठीक होती है तो एयरलाइन अपने आप उस डिमांड को लेने के लिए तैयार।